हेलो दोस्तों, पटका ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कोई भी एप्लीकेशन है उसका फुल इंफॉर्मेशन आप कैसे पता कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन में कितना स्टोरेज है अभी अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन कैसे हाइड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन को कैसे ब्लर कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से उसे चेक करते हैं, हम फ्लिपकार्ट का देखते हैं, दबाए रहना है। उसके बाद यहाँ पर आप्स इंफॉर्मेशन दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है स्टोरेज, 246 का स्टोरेज अभी अवेलेबल है। उसके बाद कितना डाटा यूज किया आज, 7.2 यूज किया है दोस्तों। अगर बैटरी का बैकअप देखा जाए तो आज के लिए बैटरी कितना बैकअप ले आया है इसने, 2.9। इसी तरह से नीचे आके आप भी चेक कर सकते हैं आपका मोबाइल का एप्लीकेशन कितना स्टोरेज ले रहा है और कितना बैटरी बैकअप ले रहे हैं। तो इस तरह जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन, आपको ऐड करना चाहते हैं इसे ऑफ कीजिए, अगर ऑन करना चाहते हैं उसे भी ऑन करके रखिए, नहीं तो आप इसे शो नोटिफिकेशन का भी हाइड कर सकते हैं। जो भी आपको फ्लिपकार्ट ऐप्स में नोटिफिकेशन आएगा वो दिखाएगा नहीं, नहीं दिखाएगा, शो नहीं करेगा। यह तो नोटिफिकेशन गई, और दूसरे सेटअप देखते हैं। दूसरे सेटअप है दोस्तों ब्लूर्स ब्लोर ऐप्स प्रीव्यू, यहाँ पर क्लिक करने के, इसे ऑन करने के बाद फ्लिपकार्ट में आप जो भी ओपन करेंगे, एग्जांपल से हम देखते हैं फ्लिपकार्ट ओपन किया है। चलिए, मेरे पास तो नेटवर्क नहीं है, ये तो नो कनेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये ब्लर करेंगे तो नहीं दिखाएगा। देखो दोस्तों, इसे रिसेंट बटन भी इसे किया तो नहीं दिखाएगा। देखिए, इस तरह से ब्लर को अपने ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से ये ब्लर कर सकते हैं। तो और फिर दूसरा सेटिंग है, दूसरा है दोस्तों इसमें एप्लीकेशन को क्लियर करना। तो हम एप्लीकेशन को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं ये भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो एप्लीकेशन को क्लियर करने के लिए क्लियर पर क्लिक करना है, इस पर क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है, फिर ये जो स्टोरेज है जितना है सब गायब हो जाएगा। तो देखते हैं, क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करना, फिर से ओके कर दीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करके देखिए, 98 MB अभी बचा हुआ है। तो आपके मोबाइल में ज़्यादा स्टोरेज हो रहा है तो कोई एप्लीकेशन में ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके इसी तरह से आप डिलीट कर सकते हैं आपका स्टोरेज और बैकअप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन का स्टोरेज को कम कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन को सेफली रख सकते हैं। देखिए, अभी सिंपल है, ज़्यादा स्टोरेज होने में आपका एप्लीकेशन हैंग भी कर सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।